फ्रेंड, कैसे हो आप? तो आज के इस टॉपिक में हम बहुत खतरनाक सा टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है PHBB? किसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, किसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। उसी के साथ साथ आज हम देखेंगे क्या है नायलॉन 2 नायलॉन 6। उसी के साथ हम देखेंगे अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर। हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हम पॉलीमर यूज करते हैं वो कौन से पॉलीमर है, इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं PHBV। अब देखते हैं क्या है ये PHBV। आप सबको पता होगा बच्चों, आप सबको ये एक बात पता होगी कि पॉलीमर जो बनता है वो PHBV के बारे में हम देखेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड। एसिड आप सबको पता है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोनिल कार्बन के बाजू का जो कार्बन होता है बच्चों, उस कार्बन को कहते हैं हम अल्फा, ठीक है। अब अल्फा के बाजू का जो होता है उसको हम कहते हैं बीटा। तो ये हो गया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे बहुत सारे कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसिड में 4 कार्बन वाला भी एसिड होता है और 5 कार्बन वाला भी एसिड होता है। तो हमारे पास जो 4 कार्बन वाला एसिड बच्चों रहेगा, तो आप देख सकते हो ये 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन वाला एसिड हमने दिया है। 4 कार्बन वाला जो एसिड है इसमें आप देख सकते हो ये अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन पे यहाँ पे अगर क्या लग जाता है OH, और 4 कार्बन वाले एसिड का नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड। तो इसका नाम हम लिखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है बच्चों, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। और दूसरा वाला जो है वो भी बहुत बढ़िया सा एसिड हमारे पास है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इसका नाम रखा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। अब दूसरा वाला हम यहाँ पे दूसरा वाला देखेंगे, ठीक है, जिसमें क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे 4 नहीं 5 कार्बन है। तो आप देख सकते हो बच्चों ये कार्बन, आप यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड OOH और 1 2 3, और ये हो गया बच्चों 4, और ये हो गया 5, ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये है अल्फा, ये है बीटा, बीटा पे फिर से यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो गया बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी। ध्यान रखेंगे क्या नाम हो गया इसका, बीटा हाइड्रोक्सी। दिस इज अल्फा एंड दिस वन इज अ बीटा, और बीटा पे कौन सा ग्रुप लगा, हाइड्रोक्सी, और इसीलिए हम इसका नाम रखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। अल्फा, बीटा और ये है बच्चों गामा। तो ध्यान रखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड अभी कैसे बनेगा। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, कौन सी पोजीशन पे लगा है बच्चों, बीटा। तो आप ध्यान में रखो इसका नाम हो गया वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला है, तो इसका नाम है वैलेरिक एसिड। तो ध्यान रखेंगे पहले का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी, दिस इज द ब्यूटेरिक एसिड, और इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5, वैलेरिक एसिड। तो ऐसे हमारे पास 2 टाइप के एसिड है बच्चों, एक है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। ऐसे 2 एसिड हमारे पास है। अब हमें एक बात बचपन में हमने पढ़ी थी, एसिड रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर। तो एसिड किसके साथ रिएक्ट होगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और वो क्या बनाएगा, ईस्टर। ये ऑक्सीजन की लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक किया, जैसे भी अटैक किया यहाँ से निकला OH निगेटिव और यहाँ से निकला H, सो देयर इज रिमूवल ऑफ H2O, एंड आफ्टर देयर इज रिमूवल ऑफ H2O अब क्या होगा, ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ से निकला OH, यहाँ से OH निकला और यहाँ से H, मिलके क्या निकला है H2O, और अगर वहां से H2O निकल गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन है बच्चों, O, और उसके बाद है यहाँ पे CH, उसके बाद है ये CH2, और ये बन गया बच्चों C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे C डबल बॉन्ड O, अब ये है बच्चों CH2, और यहाँ पे है CH, और यहाँ पे है बच्चों CH3, और यहाँ पे लगा है OH। तो आप गौर से देखो इसको क्या होगा, इस ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ से H2O निकल गया, ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, उसके बाद है O, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते CH, ये CH2, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज व्हाट CH2 एंड दिस वन इज अ CH3, एंड यू आर गेटिंग दिस C डबल बॉन्ड OH CH2, एंड हियर इट इज व्हाट CH, एंड हियर इट इज CH2 CH3, उसके बाद ये लगा है बच्चों O,
फिर सी डबल बॉन्ड हो सी एच टू, उसके बाद सी एच, ये सी एच थ्री। अब मैं क्या करता हूँ, ये ओ एच को इधर से लगाता और ये सी एच थ्री को इधर से। तो आप देख सकते हो ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, लेकिन अब उसका क्या बन गया, इस्टर। इस्टर का नाम कैसे लिखते हैं बच्चों, जैसे मेरे पास ये इस्टर है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री। अब ये हो गया मिथिल और ये हो गया एसीटेट, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बच्चों मिथिल एसीटेट। ध्यान रखेंगे इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथिल एसीटेट। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस कंपाउंड का नाम हो गया बच्चों मिथिल एसीटेट। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है, अब ये है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट वैलेरिक एसिड, लेकिन अब इसमें भी जब इधर से लगेगा तो वहां पे भी क्या होगा एट, तो ये हो जाएगा वैलेरेट और ये हो गया ब्यूटीरेट। तो क्या होगा, ये बना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट और ये है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसी का नाम है, क्या नाम है उसी का, दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा, ठीक है, उसी का नाम है बच्चों। इसमें सिर्फ दो ही नहीं बनेंगे, बहुत सारे लगेंगे, तो बहुत सारे लगेंगे तो मेनी, ठीक है, मेनी तो पॉली, तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना है, इसीलिए इसका नाम है बच्चों पीएचबीवी। तो व्हाट इज पीएचबीवी, समझ गए बच्चों, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। पॉली कॉमन निकल लिया, तो कैसे बनेगा पॉलीमर वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, ये OH है, अब क्या होगा, ये वैलेरेट है और ये कौन है, ब्यूटीरेट है, चार कार्बन वाला। अब यहाँ पे दूसरा वैलेरेट आएगा, वैलेरेट आएगा तो कैसा लगेगा बच्चों, ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O को यहाँ पे क्या लग गया, O, दिस इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लग गया O, अब ये हो गया O। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा CH2, अब CH2 लगने के बाद यहाँ पे क्या लगेगा CH, ये CH3 और यहाँ पे क्या है OH। तो ये एक फिर से उधर से क्या लगा वैलेरेट, फिर इधर से क्या लगेगा ब्यूटीरेट, ब्यूटीरेट कैसा लगेगा C, यहाँ पे CH3, ये तीन कार्बन और ये चार कार्बन, C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया बच्चों कौन हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द ब्यूटीरेट। तो पॉली मेनी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट एक दूसरे के साथ क्या होंगे कंबाइन, और इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होके हमें ये मिलेगा। समझ गए, हैव यू ड्रॉन दिस, हाउ यू आर गेटिंग दिस, समझ गए सब लोग, चलो आगे। तो दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। आफ्टर स्टडिंग दिस अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो दिस इज अबाउट द बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो हमारे पास है ये C डबल बॉन्ड O, तो पॉलीमर कैसा बनेगा, मैं पॉलीमर भी बता रहा हूँ आपको, हाउ टू ड्रॉ C डबल बॉन्ड O और ये है O। अब यहाँ पे ये है अल्फा और अल्फा के बाजू में बीटा, बीटा पे लगा CH3, कार्बन कितने हो गए चार, कार्बन हो गए बच्चों चार, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इधर वो कोई तो भी इसको लगेगा, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट। फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पे लगा CH2 CH3, अब तीन कार्बन ये चार और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O O, यहाँ से भी H चला जाएगा, तो इस तरह से सॉरी यहाँ से OH चला जाता है, तो ऐसा ऐसे कितने मॉलिक्यूल लगेंगे N, तो दिस इज द PHBV, व्हाट इज PHBV, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वैलेरेट, सबका कॉमन निकाल के क्या ले लिया, क्या था वो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब बीटा को बाजू में रख दो, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वैलेरेट, पॉली हाइड्रोक्सी पॉली हाइड्रोक्सी दोनों में से क्या निकाल लिया कॉमन, तो नाम हो गया PHBV। सो व्हाट इज PHBV, डू यू अंडरस्टैंड, ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे PHBV के रिलेटेड, ये जो PHBV है, दिस PHBV इज अ, ये जो PHBV है, ये PHBV कैसा है बच्चों, ये है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दिस PHBV इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। किसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो अगर हम जमीन के अंदर अगर डाल दे तो वो जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
जमीन के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उनको कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सो ध्यान रखेंगे बच्चा भारती, ये है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो क्यों कहा हमने इसको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, समझ गए। अब हम आखिरी सॉरी इसके आगे चलते हैं। तो दिस इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो क्लियर है सब। तो दिस इज अबाउट द PHBV, दैट इज द पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड वैलेरेट। दिस इज द पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड वैलेरेट। तो ध्यान रखेंगे दिस इज द PHBV विच इज द पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड वैलेरेट। अब हम आगे के टॉपिक की तरफ चलेंगे, खतरनाक सा टॉपिक, बढ़िया सा टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो दिस इज अबाउट द PHBV, दैट इज द पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड वैलेरेट। आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं, बहुत बढ़िया सा टॉपिक। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? सो दिस इज अबाउट द PHBV। नाउ PHBV के बाद हम पहले PHBV की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो दिस इज द PHBV, आप देख सकते हो ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, 1 2 3 4 5। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड दोनों कंबाइन हुए, यहाँ से निकला OH, यहाँ से निकला OH, यहाँ से निकला H, देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। आफ्टर द रिमूवल ऑफ H2O यहाँ पे क्या होगा, ये बचा O है ना, इधर से H निकल गया समझो, O CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसे कितने मॉलिक्यूल लगे, N। एंड दिस इज अबाउट द PHBV, दैट इज द पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट एंड वैलेरेट। दिस इज द PHBV, क्लियर है। तो दिस इज कंप्लीट अबाउट द व्हाट, PHBV। व्हाट इज PHBV? पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, सॉरी पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वैलेरेट। कैसा है? बायोडिग्रेडेबल। और बताइए कैसा है, 4-5 पॉइंट लिख लेंगे इसके बारे में, PHBV के बारे में। पहला कैसा है, बायोडिग्रेडेबल। दूसरा कैसा है, कंडेंसेशन है कि एडिशन है, कंडेंसेशन, क्योंकि टू कंबाइन विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल बाय प्रोडक्ट। होमो है कि हेटेरो है, सॉरी को पॉलीमर है कि होमो पॉलीमर है, को पॉलीमर, क्योंकि अलग अलग उसमें क्या हो रहा है, एड, तो इट इज द को पॉलीमर। तो बायो पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, और कैसा पॉलीमर है, को पॉलीमर है। तो दिस इज अबाउट द व्हाट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, हम थोड़ा आगे की बात यहाँ पे चलते हैं और इस टॉपिक को बंद करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा। आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है नायलॉन टू नायलॉन 6। क्या क्या होगा नायलॉन टू नायलॉन 6 में, अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है बच्चों, नायलॉन, नायलॉन दिस वर्ड कम्स फ्रॉम, नायलॉन मतलब जिसके अंदर अमाइड लिंकेज है, जिसके अंदर कौन सा लिंकेज है, अमाइड। जिस कंपाउंड के अंदर बच्चों अमाइड लिंकेज है, उसी को हम क्या कहते हैं, नायलॉन। किसको कहेंगे नायलॉन, जिसके अंदर कौन सा लिंकेज है, अमाइड लिंकेज। ध्यान रखेंगे, जिसके अंदर अमाइड लिंकेज है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, नायलॉन। सो व्हाट इज नायलॉन, डू यू अंडरस्टैंड, वंस मोर, जिसके अंदर कौन सा लिंकेज है, अमाइड लिंकेज, उसको हम क्या कहेंगे, नायलॉन। अब नायलॉन 2 और नायलॉन 6, अभी हमारे पास 2 है। आप सबको पता है बच्चों, हमारे पास जो एसिड्स हैं, तो वी हैव द 2 एसिड्स, ठीक है। तो जैसे हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, आपको पता है हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, तो हेक्सामिथिलीन डायअमाइन में 2 चीज़ें होती है, एक ग्लाइसिन, आपको अगर पता है बच्चों ग्लाइसिन, डू नो द ग्लाइसिन, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पता है, दिस इज द सी डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज व्हाट, CH2, और इसको यहाँ पे लगा है बच्चों NH2, दिस इज व्हाट सी डबल बॉन्ड OH, दिस इज CH2 एंड दिस इज NH2, दिस इज ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन की रिएक्शन अगर मैं इसके साथ करूं, हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, दिस इज CH2/6 और ये हो गया बच्चों NH2। सो दिस इज हेक्सामिथिलीन डायअमाइन एंड दिस इज विच एसिड, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है कुछ, ठीक है। ये तो है, 2 कार्बन के बाद क्या हो जाएगा, NH, तो यहाँ से तो NH निकल जाएगा, लेकिन फिर NH इधर लगा, तो एक मिनट थोड़ा, एक आपको यूज करना है कैप्रोइक एसिड यूज करना है, सॉरी अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड, अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दिस इज CH2
सी डबल बॉन्ड को OH एंड दिस इज व्हाट NH2. दिस इज सी डबल बॉन्ड OH, दिस इज CH2 एंड दिस वन इज NH2. अब इसमें क्या होगा, दिस इज सी डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस वन इज अ NH2. कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगा NH2, तो इस कंपाउंड का नाम होता है अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड. और ये इस अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड का ही दूसरा नाम है ग्लैंड सी. ध्यान रखेंगे, दिस अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइसिन. तो दिस इज अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ अलोंग विद दिस अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड वी हैव दिस इज अगेन वन मोर थिंग, दिस इज अमीनो एंड दिस इज अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड कैप्रोइक एसिड. कैप्रोइक एसिड में कितने कार्बन रहते हैं, 6. तो दिस इज व्हाट CH2. इसके बाद है CH2 by 4, 4 और 8 5 एंड दिस इज सी डबल बॉन्ड को OH. तो दिस इज अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड एंड दिस इज अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड. ध्यान रखेंगे, अब क्या होगा, दिस इज ग्लाइसिन. कार्बन कार्बोनिल के बाजू पे 4 और 8 5, तो ये क्या हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ये कौन हो गया एप्सिलॉन. सो दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ये कौन हो गया एप्सिलॉन. अब एप्सिलॉन कहाँ पे लगा, अमीनो, तो फिर इसका नाम क्या हो गया, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड. सो दिस इज द एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड एंड दिस इज द अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड. ठीक है, सो दिस इज एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड एंड दिस इज अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड. अब इन दोनों की रिएक्शन करी, इन दोनों की रिएक्शन करने के बाद यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा OH, तो मिलके कौन जाएगा H2O. बराबर, अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो कैसे कंबाइन होंगे, ये है बच्चों यहाँ पे NH2, उसके बाद है यहाँ पे CH2, उसके बाद है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद है NH और उसके बाद है बच्चों CH2 और इसके बाद है ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH, उसके बाद है CH2, उसके बाद है बच्चों CH2 by 4 एंड C डबल बॉन्ड O. ठीक है, तो यहाँ से कौन गया H है ना, और यहाँ से कौन गया OH. तो आप अगर देखेंगे तो ये 4, 1 और 4, 5 और 1, 6 कितने कार्बन है, 6. ठीक है, तो 6 कार्बन के बाद कौन आ रहा है NH, और अब कितने कार्बन पे आ रहा है, 2. तो एक बार 6 कार्बन के बाद आ रहा है और एक बार 2, तो इसीलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, नायलॉन 2 नायलॉन 6. हमने नायलॉन 6 देखा था, हमने नायलॉन 2 देखा था, तो उसमें क्या होता था कितने कितने कार्बन के बाद आते थे, 6 कार्बन के बाद. अब कितने कितने कार्बन के बाद आ रहे, 2, एक बार 2 और एक बार 6, और इसीलिए इसका नाम क्या रखेंगे, नायलॉन 2 नायलॉन 6. क्लियर है सब लोग, सो व्हाई इट्स नेम इज अ नायलॉन 2 नायलॉन 6, डू यू अंडरस्टैंड. तो ये है बच्चों OH एंड ये है H, तो देयर इज रिमूवल ऑफ H2, C डबल बॉन्ड O NH, ये है CH2 CH2 by 4 एंड दिस इज व्हाट C डबल बॉन्ड O OH. कर लो, समझ लो, सारे से समझ कर लो, हैव यू रिटन इन योर बुक, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, डू यू अंडरस्टैंड. सो ध्यान रखेंगे बच्चों, दिस इज द नायलॉन 2 नायलॉन 6 नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये है बच्चों नायलॉन 2 नायलॉन 6 सारा इसे समझ कर लो सरवाना. तो ये है नायलॉन 2 नायलॉन 6. अब पॉलीअमाइड, क्यों कहा पॉलीअमाइड, बिकॉज देयर इज विच लिंकेज, अमाइड लिंकेज. सेकंडली इट इज द को पॉलीमर बिकॉज इट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, वन इज अ ग्लाइसिन दैट इज द अल्फा अमीनो एसिड एंड सेकंड वन इज अ एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड एंड इट इज बायोडिग्रेडेबल, इट इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल. तीन चीजें, एक कैसा पॉलीमर है, पॉलीअमाइड पॉलीमर. कैसा पॉलीमर है ये, पॉलीअमाइड पॉलीमर. दूसरा कैसा पॉलीमर है ये, को पॉलीमर. एंड थर्ड इट इज व्हाट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. तो ध्यान में रखेंगे तीन चीजें. अब हम दूसरे पॉलीमर की तरफ चलते हैं. तो ये कुछ पॉलीमर से अभी ये होमवर्क है, आप कर सकते हो इजीली. नायलॉन 6 कैसे बना, नायलॉन 6 कैसे बना, टेरिलिन कैसे बना, मेलामिन कैसे बना, कौन थे उनके रिपीटेटिव यूनिट, क्या था मोनोमर, क्या थी उसकी यूजेस, वी हैव सीन एवरीथिंग इन डिटेल.
अब हम इसके आगे चलते हैं, अब हम कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में देखेंगे, एक एक पॉलीमर के बारे में हम देखेंगे। अब सबसे पहला पॉलीमर हम यहाँ पे देखेंगे परपेक्स और एक्रेलिक ग्लास, तो मैं आपको साथ में उसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलूंगा, यही पे एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इजी पॉलीमर है ये परपेक्स और एक्रेलिक ग्लास, आप हेडिंग देंगे। अब क्या होता है बच्चों परपेक्स और एक्रेलिक ग्लास में, अभी हम यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट में कि ये जो हमारा अल्किन है, अल्किन पता है सबको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज व्हाट अल्किन है ना, और इसी से हमने पॉलीथीन बहुत सारे अलग अलग क्या बनाए थे बच्चों पॉलीमर। अब हमने जो अलग अलग पॉलीमर बनाए थे उस पॉलीमर से आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहाँ पे हमने लगा दिया सी एच थ्री, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, यह है हमारा एक पॉलीमर, पॉलीमर नहीं यह अल्किन है, अल्किन तो बताया आपको सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इथीन पॉलीथीन टेप्लॉन बहुत सारे हमने बनाए थे, अब वही है ये, बस यहाँ पे क्या करा हमने एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे स्टर लिंकेज लगा दिया, कौन है स्टर लिंकेज, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, दैट सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री इज अ विच लिंकेज, स्टर लिंकेज, ये स्टर लिंकेज यहाँ पे लग गया, यह है सी एच टू, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, कौन सा लिंकेज है वो स्टर लिंकेज, ठीक है। अब यहाँ पे स्टर लिंकेज है, अब क्या होगा, अब अच्छी बात यहाँ पे होगी कि अब इसका क्या, बस कुछ नहीं होगा भाई, ये जैसा है वैसा, ये सब जैसे के वैसे, सिर्फ पार्ट टूटेंगे और एन मॉलिक्यूल एक दूसरे को जुड़ेंगे, तो कैसा होगा रिएक्शन, आप यहाँ पे ध्यान देख सकते हैं, यह है सी, यह है सी, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री है ना, फिर यहाँ पे ये अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे अल्किल ग्रुप है, कितने अल्किल ग्रुप एक दूसरे को जुड़ गए एन, कितने अल्किल ग्रुप एक दूसरे को जुड़ गए एन, और एन अल्किल ग्रुप वहाँ पे एक दूसरे को जुड़ गए, और इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो गया सी एच टू, ये भी हो गया सी एच टू, और यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज व्हाट सी एच, और यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, ठीक है ओ सी एच थ्री, ऐसे कितने लगेंगे एन, कुछ नहीं डबल बॉन्ड टूटेगा, इथिन में पॉलीथिन में जिस तरह से जुड़े थे उसी तरह से यहाँ पे जुड़ेंगे और जुड़ के हमें ये सब मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझा होगा, हम आगे के पॉलीमर की तरफ चलते हैं, समझ गए, देखो सी एच टू, फिर यहाँ पे सी, हाँ सिर्फ यहाँ पे ऊपर ये जो है यहाँ पे सी एच थ्री लगाना है, सॉरी यहाँ पे क्या लगाना है सी एच थ्री, तो यहाँ पे लगा है सी एच थ्री, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम, ठीक है, तो वहाँ पे कितने को रिप्लेस करना है दो को। अब आपको बताए इसका नाम, ये जो है हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये जो सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है, यहाँ पे कौन है सी एच थ्री और यहाँ पे कौन है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो इसको हम कहते हैं एक्रिलेट, इसको हम कहते हैं एक्रिलेट, और इसका नाम है मिथिल, तो इसका नाम हो गया मिथिल, ये देखो मिथिल एक्रिलेट, ये जो ग्रुप है डबल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एक्रिलेट, एक्रिलेट ध्यान में रखेंगे, इस ग्रुप का नाम क्या है एक्रिलेट, एक्रिलेट को यहाँ पे लगा है सी एच थ्री, तो ये हो गया मिथिल एक्रिलेट, क्या हो गया ये मिथिल एक्रिलेट, दिस इज मिथिल एक्रिलेट, और यहाँ पे भी लगा है बच्चों सी एच थ्री, तो ये हो गया मिथिल मिथ्या एक्रिलेट, ध्यान में रखेंगे क्या हो गया ये, ध्यान रखो दिस इज मिथिल दिस इज मिथ्या एंड दिस वन इज अ एक्रिलेट, तो पूरा नाम क्या हो गया इसका मिथिल मिथ्या एक्रिलेट, तो ध्यान रखेंगे इट्स नेम इज अ मिथिल मिथ्या एक्रिलेट, तो कीप इन योर माइंड इट्स नेम इज अ मिथिल मिथ्या एक्रिलेट, मिथिल मिथ्या एक्रिलेट, तो कीप इन योर माइंड दिस इज मिथिल दिस इज मिथ्या एंड दिस वन इज अ एक्रिलेट एंड इट इज नथिंग बट द रिच ग्लास परपेक्स ग्लास और इट इज कॉल्ड एक्रिलिक ग्लास, आपके घर में जो एक्रिलिक का ग्लास होता है दैट ग्लास इज रिच ग्लास एक्रिलिक ग्लास और इट इज कॉल्ड परफेक्ट ग्लास, और इसका जो मोनोमर है सी एच टू सी सी एच थ्री सी एच थ्री ऐसे एन लगेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है लेंसेस, लेंसेस पता है आपको, तो लेंसेस बनाने के लिए इसका यूज होता है, पेंट पेंट के अंदर इसका यूज होता है, सिक्योरिटी बैरियर जो ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी बैरियर है ना, जैसे कोरोना में बहुत सारे सिक्योरिटी बैरियर बनाए थे जिसमें इधर से उधर दिखता था लेकिन वो नहीं जाता था खून कोरोना, ठीक है, तो वो बैरियर्स बनाने के लिए, उसके साथ साथ एलसीडी स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ये एलसीडी स्क्रीन, उसके साथ साथ शटर रजिस्टर्ड ग्लास,
ये बनाने के लिए भी इनका क्या करते हैं यूज. तो दिस इज अबाउट द व्हाट, दिस इज द एप्लीकेशन. सेकंडली अब नेक्स्ट वाले की तरफ हम चलते हैं. क्लियर है सब लोग यहाँ तक? अब हम आगे वाले देखेंगे. अब नेक्स्ट वाला पॉलीमर है जिसका नाम है ब्यूनाइन. अब आप सबको पता है ब्यूटाडाइन, तो सबको पता है दोनों, तो ब्यूटाडाइन, हाँ ब्यूटाडाइन और नाइट्राइन. तो अभी हमें ये दोनों से मिला के बनाना है. ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, कौन हो गया ये 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है हमने देखा है. अब उसके बाद इसमें हम अल्किन की रिएक्शन करेंगे. दिस इज अल्किन और इसको यहाँ पे लगा है CH. दिस इज कॉल्ड विनिल साइनाइड. इसको हम क्या कहते हैं? विनिल साइनाइड. ध्यान रखेंगे दिस इज द विनिल साइनाइड, दिस इज विनिल साइनाइड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्राइल. दिस इज विनिल साइनाइड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्राइल. तो ये विनिल साइनाइड है या हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्राइल्स कहते हैं. तो दिस इज विनिल साइनाइड और वी कैन सी इट इज नाइट्राइल. और ये हमारे पास यहाँ पे हो गया अल्किन, ये हो गया अल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा है CH. क्लियर है? तो दिस इज द 1,3 ब्यूटाडाइन एंड दिस इज विच साइनाइड? विनिल साइनाइड. क्लियर है? अब इनकी जब रिएक्शन हम करेंगे तो क्या होगा हमें पता है. इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा. दोनों के डबल बॉन्ड कैसे टूटेंगे बच्चों? होमोलिटिकली. तो ये एक अनपेड, ये एक अनपेड, ये एक अनपेड, ये एक अनपेड. अब इसके पास एक अनपेड है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास एक. तो इसके पास का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये इसके पास के एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? शेयर. और अगर शेयर करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए? ये हो गया बच्चों CH2, उसके बाद क्या है? CH. यहाँ पे भी क्या है? CH. और यहाँ पे क्या है? CH2. ये दोनों अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर. अब इसके पास है एक अनपेड और इसके पास भी है एक अनपेड. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो गया CH2, ये है C और यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर क्या लगा है? CN, इधर H और इसने एक अनपेड इधर क्या कर लिया? शेयर. अब इसने एक अनपेड इधर शेयर कर लिया, यहाँ पे कौन लगा है? CN. अब ये हो गया, ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल लगा है और यहाँ पे आप देखेंगे CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH और यहाँ पे क्या लगा है? CH. तो दिस इज अबाउट द, दिस इज व्हाट, दिस इज द 1,3 ब्यूटाडाइन एंड दिस इज विच साइनाइड? विनिल साइनाइड. व्हेन वी कंबाइन देम, आफ्टर कंबाइनिंग देम, दिस इज द 1,3 ब्यूटाडाइन एंड दिस वन इज अ विनिल साइनाइड. तो CH2 CH फिर CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH एंड CL ऐसे जुड़ गए. आप देख सकते हो ऐसे जुड़ गए CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH2 CH एंड CL. तो ऐसे जुड़ गए. ऐसे N मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और जब N मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो जो मिलेगा उसका नाम है, ये साइनाइड का दूसरा नाम होता है बच्चों नाइट्राइड. साइनाइड का दूसरा नाम होता है नाइट्राइड. तो ये कौन था बच्चों? हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन एंड दिस इज विच साइनाइड? विनिल साइनाइड. सो व्हेन 1,3 ब्यूटाडाइन कंबाइन विद विच साइनाइड? विनिल साइनाइड. सो यू गेट साइनाइड, या उसी को हम क्या कहेंगे? नाइट्राडाइन, नाइट्राइल. तो ये हो गया कौन? ब्यूटाडाइन. और ये कौन हो गया? नाइट्राइल. तो ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल जब एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कंबाइन होंगे तो जो बनेगा ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर. कौन सा रबर? ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर. एंड एज इट इज अ ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर तो इस तरह से हमें यहाँ पे रबर मिलेगा जिस रबर का नाम रहेगा ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर. ध्यान रखेंगे बच्चों वंस मोर, क्या नाम रहेगा इसका? ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर. सो दिस रबर इज कॉल्ड विच रबर? ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर. तो आशा करता हूँ आपको ये रबर समझा होगा. वंस मोर, क्या नाम है इस रबर का? ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर. तो दिस इज द ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर एंड आफ्टर हैविंग दिस ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर हम थोड़ा आगे चलते हैं. इसी का नाम रखा कौन सा यन? ब्यूनाइन. क्यों नाम रखा ब्यूनाइन? ब्यूटाडाइन. ध्यान में रखना ब्यूटाडाइन इज कॉल्ड ब्यूना, ब्यूटाडाइन इज कॉल्ड ब्यूना एंड विनिल साइनाइड, साइनाइड्स आर कॉल्ड नाइट्राइल. सो इट इज नाइट्राइल. सो ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर. और इस रबर में ब्यूटाडाइन और एक्रिलो नाइट्राइल, इसी का नाम है विनिल साइनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रिलो नाइट्राइल. तो एक्रिलो नाइट्राइल एंड दिस इज ब्यूटाडाइन कॉम्बाइन हुआ.
इससे एडिजिव बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। रबर बेल्ट आपने देखा होगा, चक्की जो रहती है उसको जो इधर का आगे का घुमाने के लिए पीछे भी रहता है, तो वो क्या रहता है, रबर बेल्ट। तो वो रबर बेल्ट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। शूज के सोल्स जो होते हैं वो बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके साथ साथ ओ रिंग्स, कुकर की जो रिंग होती है वो रबर की होती है ना, वो बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके साथ गैस्केट, मैंने आपको समझाया था कि जो इंजन के जो दो पार्ट होते हैं उसको जब जोड़ते हैं तो बीच में एक ऑयल सील कहते हैं उसको, या उसी को क्या कहते हैं, गैस्केट। तो वो गैस्केट्स बनाने के लिए भी इसका क्या करते हैं, यूज। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी सिंपल पॉलीमर, दैट इज द पीवीसी, दैट इज नथिंग बट द पॉली विनिल साइनाइड। तो पॉली विनिल साइनाइड कैसा होता है, हमारे पास ये है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH और इसको क्या लगा है Cl, तो दिस इज विच साइनाइड, विनिल साइनाइड। अब ये विनिल साइनाइड है बच्चों, और जब ठीक है, तो हमारे पास n मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे, किसके लेंगे n मॉलिक्यूल, विनिल साइनाइड के n मॉलिक्यूल्स अगर हम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो विनिल साइनाइड है इसका ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। और अगर इसका ये बॉन्ड टूटा तो क्या होगा, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH, या ये कौन है Cl, और इसको क्या लगा H, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे एक दूसरे को, N, है ना। समझ गए क्या, नहीं समझे, अरे अपना बचपन का वही है ना, क्या ये देखो, ये हो गया बच्चों CH2 और ये है कार्बन, इसको लगा है Cl और इसको लगा है हाइड्रोजन, और ये है एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इधर क्या है बच्चों, इधर भी वही है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन और हाइड्रोजन, इसके पास भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे शेयर, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड, ऐसे कितने लगेंगे एन, समझ गए क्या, नहीं समझे, ये दो हो गए, ऐसे कौन सा लगेगा तीन, फिर ऐसे कौन सा लगेगा चार, ऐसे पांच, तो कंबाइन कौन हो गए ये, तो यू गेट दिस। तो आप देख सकते हो ये विनिल साइनाइड है CH2 फिर CHCl, ऐसे कितने लगेंगे N, और आपको पता ही है इसी क्या है, इट इज द विनिल क्लोराइड, दिस इज व्हाट विनिल, एंड ग्रुप इज कॉल्ड विच ग्रुप, विनिल ग्रुप, और इसको कौन लगा है Cl, तो विनिल को Cl लगा तो क्या नाम हो गया, विनिल क्लोराइड। और ऐसे कितने विनिल क्लोराइड कंबाइन हो गए N, तो N मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए बच्चों विनिल क्लोराइड के, तो विनिल क्लोराइड के N मॉलिक्यूल कंबाइन होने की वजह से वहां पे जो बना उसका नाम है बच्चों पीवीसी। व्हाट इज पीवीसी, पॉली विनिल क्लोराइड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पॉली बहुत सारे लग रहे, विनिल वी स्टैंड्स फॉर विनिल एंड सी स्टैंड्स फॉर क्लोराइड, सो दिस इज वीसी विनिल क्लोराइड, कितने लगे N लगे, N लगे मतलब पॉली लगे, तो इसीलिए इसका नाम रखा पॉली विनिल क्लोराइड, क्लियर है, एंड दिस इज नथिंग बट द पीवीसी। समझ गए सब, पीवीसी अपने घर पे जो पाइप रहता है, कौन सा पाइप रहता है, पीवीसी पाइप, वो पीवीसी पाइप का होता है विनिल क्लोराइड का, पॉली विनिल क्लोराइड, अरे होता है ना, ठीक है। तो किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, वाटर पाइप्स, जो वाटर कैरी करने के लिए जो पाइप्स यूज करते हैं वो किसके होते हैं, विनिल क्लोराइड। उसके साथ रेनकोट, रेनकोट पता है आपको, हाँ वो पहनते हैं हम, ठीक है, वो काय का बना होता है, विनिल क्लोराइड। फ्लोरिंग्स आजकल जो जो क्या बोलते हैं उसको, घर पे वो डालते हैं ना वो कारपेट, तो वो भी वैसी होती है ना प्लास्टिक जैसी, तो वो भी काय की बनी होती है, विनिल क्लोराइड। तो दिस इज अबाउट वी हैव सीन टुडे 3 and 2 5 पॉलीमर्स, दैट इज वन इज द PHBV पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वैलेरेट, उसके साथ हमने देखा है नायलॉन 2 नायलॉन 6, उसके साथ साथ हमने देखा है ये वाला एक्रिलिक ग्लास वाला, परपेक्स ग्लास भी उसको कहते हैं, उसके साथ हमने देखा है पीवीसी, और ये वाला देखा है हमने ब्यूनाइस, ब्यूनाइस इज अ ब्यूटाडाइन स्टेरिन रबर, सॉरी ब्यूनाइस पहले देखा था, ये ब्यूनाइन है, ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर। आशा करता हूँ आपको ये पॉलीमर समझा होगा, बस अभी हमारे 2 lectures बाकी है पॉलीमर्स के, और उसके बाद हमारा पॉलीमर यूनिट खत्म, और हम शुरुआत करेंगे नए यूनिट को जो बहुत बढ़िया सा यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो तब तक के लिए बाय बाय।